1 2 3 चलो भागो भागो भागो। दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग, उम्मीद करते हो कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और राजा से आपको पता है कि मैं यहाँ चंबा में ही रुकी थी बिकॉज ऑफ मेरी ट्रेन थी जो हो गई थी कैंसिल। और यार तो फिर मैंने कहा फिर यहीं अभी थोड़ा डल होजी वगैरह घूम लेते हैं। और मेरी पैरा ग्लाइडिंग रह गई थी तो वो भी आज कर लेंगे। तो यहाँ चंबा से मैं दोबारा खजियार जाऊँगी ऊपर और वहाँ पे आज करेंगे पैरा ग्लाइडिंग, क्योंकि आज वेदर बहुत अच्छा हो रहा है और बढ़िया हो जाएगी। तो सबसे बढ़िया बात ये है कि मेरा सेकेंड एडवेंचर है वो भी हो जाएगा। और यहाँ मैं रुकी हुई थी तो सुबह मैंने कॉफ़ी पी और कॉफ़ी के बाद मैंने एक पराठा खा लिया था, क्योंकि मुझे ऐसे था कि अभी 12:30 हो गए, चेकआउट का टाइम 12 बजे था। बट उनसे मैंने बात की, मैं कह मेरे को 1 बजे निकलना है क्योंकि मेरी बस है। तो ठीक है अभी मैं निकलती हूँ यहाँ से, नहा धो के मैं तैयार होगी। और मेरे सारे कप, क्योंकि मैं कपड़े लेके नहीं आई थी तो आज मैं लोअर टी शर्ट में ही जा रही हूँ। क्या ही करना है, मुझे कौन सा किसी ने देखना है यहाँ पे। तो ठीक है निकलते हैं अब अगले सफ़र पे। आज का व्लॉग थोड़ा छोटा रखूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि सबसे छोटा हो। और चलो निकलते हैं, फिर करते हैं, पहले जाती हूँ चंबा से लेती हूँ बस खजियार की, खजियार में हम मिलते हैं फिर भाई लोग को दोबारा से। ओके, मैंने उनको कॉल कर रखी है। और यार सच में अगर आपको जिप लाइन और पैराग्लाइडिंग करनी होगी तो आप उनके साथ करना, दे आर एक्सपर्ट्स। क्योंकि यार उनको इस काम में 12-12, 13-13 साल हो गए हैं। ये बहुत दूर दूर तक, मतलब जहाँ भी पैराग्लाइडिंग की स्पोर्ट्स है वहाँ पे जाते हैं, इनको स्पेशल बुलाते हैं। तो चलो ठीक है, इसी के साथ मैं यहाँ से निकलती हूँ, ये तो मेरी बस निकल जानी है। मिलते हैं फिर आपको आगे के सफ़र पर। आज तो चंबा में भी बड़ा रश हो रहा है। Say hi. Hi. तो आप देख सकते हो मेरे पीछे है ये पैराग्लाइडिंग वाली जो साइट है, और ये है 400 मीटर की ऊंचाई पे। पहले हम ट्रैकिंग करके जाएंगे और वहां से फिर हम करेंगे पैराग्लाइडिंग। और यार मेरे को थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्योंकि ऐसे ही लग रहा है, मुझे भी नहीं पता क्यों लग रहा है, जबकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब हूँ, एडवेंचर पसंद करती हूँ। बट कहते ना, कोई चीज़ हम ज़िंदगी में पहली बार करते हैं तब तो डर लगता ही लगता है, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। तो चलो ठीक है, भाई लोग चले गए ऊपर, मैं भी चलती हूँ उनके साथ और पीछे पीछे। मेरे सांस में सांस नहीं मिल रही है, इतनी ज़्यादा ऊपर जाना पड़ रहा है। तभी यहाँ के लोग इतने फिट होते हैं, क्योंकि इन्होंने ट्रैकिंग ही करनी होती है हर जगह के लिए, इनको ट्रैक पकड़ना पड़ता है। भाई लोग इतनी तेज तेज से चले, पहुंच भी गए। हम पहुंच गए ना, अभी चलना है। ये भी आराम कर रहे हैं। कितना जाएंगे अभी? बस 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। ठीक है चलो चलते हैं। एडवेंचर मिक्स हो गया, ट्रैकिंग और पैराग्लाइडिंग दोनों मिक्स।
तो दोस्तों अभी भी हमारा पूरा रास्ता नहीं हुआ है, अभी भी आधे में है, बहुत ऊपर जाएंगे अभी। वो सामने देखो बादल। चलो अभी बहुत ऊपर जाएंगे, जाके फिर बिल्कुल ऊपर चले जाएंगे। चलो यार नहीं लग रहा, खड़े रहो, काटो मत आंसू जी, ऐसे सीधे खड़े रहो। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? अच्छा, क्या बात है, माशाल्लाह अंकल खूब अच्छे से उड़े। कितना टाइम लगेगा भैया नीचे से? चाल तो चाल पैड़ा देखा फिर कितने बड़े-बड़े बाजी बॉर्डर था। यही है ये लोकल। क्या बोलूं, फाइनली हम जा रहे हैं। मुझे थोड़ा सा इतना सा डर तो लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है, पर चलो लगना भी ज़रूरी है। क्यों नहीं लगेगा, कितनी हाइट्स है तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है बहुत ऊंचा है, बोलने को 400 है बट बहुत हाई है। तो आप लोग देख सकते हो मैं रेडी भी हो गई हूँ जाने के लिए, मुझे डर भी लग रहा है। आरू मैं ठीक हूँ ना? हाँ, मैंने अच्छे से बांधा हुआ है ना। ओके ऑन थ्री, वन टू थ्री, चलो 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 भागो भागो भागो। ओह माय गॉड, ऐसे पीछे हो गए, बैठ जाओ रिलैक्स। मेरे मेरे हेलमेट आ गया, मैं आता बस। हाँ मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ऊपर चली गई हूँ। जिंदगी के मजे इसे ही बोलते हैं। पता नहीं मैं कितनी ऊंचाई पे हूँ, मुझे भी, लेकिन मैं बहुत ऊंचाई पे हूँ। मेरी लातें कांप रही है, मेरी टांगे कांप रही है, अभी धीरे धीरे मैं मस्त हो जाऊंगी थोड़ी देर में। मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है। लैंडिंग बिल्कुल ऊपर। यूहू,
डर भी लगा यार बहुत सारा, मजा बहुत मजा आया। ओके बैठो ऐसे ही। हेलमेट में बोल सकते हो कैसा लगा ये हेलमेट था, इसको मतलब सेटिंग करना ये था ना आपका, इसीलिए ये हेलमेट ने थोड़ा सा परेशान किया, अदरवाइज मेरे को मेरे 3-4 मिनट कैसे निकल गए मुझे भी नहीं पता। सीधा मोस से छोके टक से वापस आ सकते हो, मैं वो वाली फीलिंग आ रही है अभी मुझे पूरी। ऐसे लग रहा था बस ऊपर ही जाऊंगी अब तो, पर नहीं यार भाई भाई थैंक यू यार, ये मेरे सबसे मतलब आज तक मेरे को कितने सारे होस्ट मिले बट ये मेरे फेवरेट होस्ट बन गया, अब से मेरे को पता लग गया है फैन, मैं इनके फैन हो चुके हूँ। इसी से हम अब करते हैं, मैं करती हूँ अपनी ये चीजें खत्म। ऐसे ही खोल दी तो अब खोल ही दो आराम से, आ जाएगा। तो यार ठीक है मैं अब करती हूँ इसको, आगे चलते हैं कहीं देखते हैं क्या करना है। बड़ा मजा आया, बताना यार कमेंट्स में आपको कैसा लगा, भाई बताओ आपको कैसे लगा मेरे साथ। बढ़िया बढ़िया मजा आया, मुझे रोज मजा आता है पर आपके साथ बड़ा ही मजा आया। थैंक यू भाई। तो चलो ठीक है मैं ये गोप्रो से शूट किया तो मैं भैया से बाद में ले लूं। मैंने बहुत इंजॉय किया पैराग्लाइडिंग, मेरा फर्स्ट टाइम था लेकिन बहुत ज़्यादा एडवेंचर किया। तो ऐसे मैं भैया से पूछ रही थी कि जो ये ग्लाइडर वगैरह होते हैं इनकी लाइफ वगैरह का क्या सीन होता है, तो भैया बता रहे थे कि इनकी स्पेशल से चेकिंग होती है, कोई कमेटी आती है जो इनको चेक करती है, इन पर इनकी डेट वगैरह डलती है, इनकी सारी एयर प्रेशर वगैरह सब चेक होता है, उसके बाद फिर जब वो मना कर दे तो फिर उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। तो इनकी तो ठीक है अभी मैंने की पैराग्लाइडिंग, अब आगे का प्लान देखते हैं, भैया करे ग्लाइडर उसको मतलब बांध रहे हैं। फिर कहते हैं कि मतलब एक बात बड़ी मशहूर है, कहते जिस बंदे ने कुछ पहाड़ों की मैगी नहीं खाई तो उसने किया क्या जिंदगी में। तो यार मैंने एक दिन पहले भी खाई थी बट वो व्लॉग के उसमें नहीं आया था, तो आज हम फिर मैगी खा रहे हैं पहाड़ों में बैठ के। तो मोंग भाई कैसे हो, मोंग भाई मोक भाई, हाय हाय मोक भाई, रील में इतना इंस्टाग्राम रील में इतना खो गए मोंग भाई को, 4-5 बार सबने मतलब देख रहे थे मोंग भाई की तरफ कि कहाँ कब उठेगी नजर, लेकिन उठी नहीं। चलो कोई बात नहीं। कैसे हो भैया आप? बढ़िया 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 हो। आप बताओ आपको कैसी लगी आपकी ये वाली ट्रिप? यार मैं सच बताऊँ मतलब मैंने सोचा नहीं था कि पहाड़ों में जाके सच में इतना मज़ा था, मैं जो मुझे ऐसे लगता था कि लोग ऐसे बहुत ज़्यादा करते हैं ना पहाड़ पर, बट सच में बताऊँ यार वो तो चलो एक बात होगी कि पहाड़ों को नेचर के अलग होता है, पर अगर आपको वहाँ पे होस्ट या बंदे ऐसे मिल जाए जो बिल्कुल आपसे आपकी वाइब उनसे मैच करती हो ऐसी नहीं कि हाँ, तो यार उनसे तो और भी मज़ा था यार। थैंक यू भाई, हाँ मोंग भाई बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू, मोंग भाई ने मतलब मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की है ना यहाँ पर, मुझे पता है वो बस वो मुझे पता है मोंग भाई को पता है बस। मोंग भाई को मैसेज आज देना है? नहीं आज मूड नहीं है। मूड नहीं है तो आज मोंग भाई का कोई मैसेज देने का मूड नहीं है। मेरे सारे मैसेज यही देंगे बस, इनको जो लगा वो ये बता देंगे। नहीं बहुत अच्छा, आप कभी भी आओ अगर आपको वो बंदा चाहिए जो हाँ यार चिल में हो पूरा और बढ़िया आपके साथ, तो मोंग भाई इसके पास जाना। एक मनु भाई है वो मैगी खाने में थोड़े से मशरूफ है, बाद में मिलाती हूँ आपको उनसे। तो फिर अब मैं पहुंच गई हूँ अपने रूम में, आज बहुत ट्रैकिंग की, बहुत मज़ा किया, पैराग्लाइडिंग भी किया, आज एडवेंचर बड़ा दिन था, डरी भी बहुत, और अभी खाना वाना खा के मैं रूम लिया आज। फिर दिखाती हूँ मैं आपको पहले अपना रूम, ये बाथरूम है, ये बेड है और ये सामने का पोर्शन है, और बाहर से व्यू है जो इसका बहुत अच्छा है, दिखाती हूँ मैं आपको। सामने सारे दिखते हैं यहाँ से पहाड़, वहाँ से सुबह सनराइज होता है, मिलके यहीं से माहौल दिखता है। तो ये है आज मेरे रहने का इंतज़ाम। और ठीक है दोस्तों मैं करती हूँ रेस्ट, मैं हूँ थोड़ी सी सीख, मेरा नाक बंद हो गया है, गला भी थोड़ा सा बैठ गया आज तो, पर चलो कोई बात नहीं, इसी के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, और यार प्यार दो वीडियोस को, क्या कर रहे हो, प्यार दो वीडियोस को, आप प्यार दोगे तो अच्छा लगेगा कि हाँ यार और वीडियोस बनानी है। तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं एक नए सफ़र पे, कल क्या करते हैं, यहीं रुकूंगी या डलहौजी जाती हूँ, देखते हैं वो सुबह प्लान करेंगे। तो ठीक है
गुड नाइट, अपना ध्यान रखें, घर में रहें और खुश रहें, खुश रखें, किसी को बुरा मत बोले, किसी को हर्ट ना करें। तो इसी के साथ मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। बाय बाय, टाटा।